देवघर से समाज को कलंकित करने वाली खबर आई, जहां तथाकथित समाज के ठेकेदारों ने एक महिला की हत्या कर दी और उसके पति को पूरी तरह से घायल कर दिया। महिला की हत्या डायन बताकर हुई, जिसके बाद अब सवाल रह जाता है कि आखिर कब तक अंधविश्वास ऐसे ही जान लेता रहेगा। देवघर में डायन बताकर हत्या, अंधविश्वास में ली महिला की जान, महिला के पति पर भी जानलेवा हमला। उन दोनों पति पत्नी को पहले गांव से बाहर निकाला गया, फिर पत्नी की हत्या कर दी गई। इरादा तो पति की भी जान लेने का था, पर वो सफल नहीं हो पाए। गांव वालों को शक था कि ये दंपत्ति डायन थी। सुनिए खौफनाक आप बीती। काट दिया यहाँ। किसको? हमको। बाउली और किसको? और किसको मारा? और परिवार को। परिवार को? परिवार मर गए? मर गए। वो क्या नाम है परिवार का? बड़की मरंडी। बड़की मरंडी। आपका नाम? शुक्ला मरंडी। कितने बजे घटना हुई थी? 9 बजे समय। पहले क्या कोई बोला था, क्या पड़तालित करता था आपको बोल के? पहले कोई नहीं बोलता था हमारे पास। पहले तो सलाह हो गया था, पहले इसको आया था, एक आदमी मर गया था, उसी में हमको इसको घींच करके ले जा रहा था। अच्छा। से नहीं निकला, लाके लाश यहाँ गिरा दिया। कल के केवाड़ खोलो हम रखेंगे, ये बोला हम बाहर में रखिए, बाहर में रख दिया, चला गया। फिर तो आप थाना में आवेदन दिए थे? मामला जसीडीह थाना क्षेत्र का है। हत्या के बाद पुलिस जांच में जुटी है। दंपति है, उसमें एक जो महिला है उसको धारदार हथियार से, प्रथम दृष्टि लग रहा है कि धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई है, और जो बुजुर्ग पुरुष है वो भी घायल हैं। अभी जो प्रथम दृष्टा है वो लग रहा है कि निश्चित तौर पर किसी की इनसे दुश्मनी थी, चाहे वह अंधविश्वास हो या कोई और मामला हो। हमलावरों के नाम बताए जा रहे हैं। कौन कहता था पहले, क्या नाम करके दिए थे थाना में? थाना में दिए थे ये छोटेलाल मरंडी। छोटेलाल मरंडी बोलता था, उसी के नाम से दिए थे? हाँ, उसी से नाम से। और ये उसके दियो भैया। अब जो करना है पुलिस को करना है। पुलिस कार्रवाई करे ताकि अंधविश्वास को हथियार बनाकर जिस वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसा कहीं फिर ना हो। देवघर से न्यूज 11 भारत के लिए मनीष राज की रिपोर्ट। और मनीष हमारे साथ देवघर से सीधे जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़ा अजीब मामला हो जाता है, सवालों के घेरे में पुलिस भी आती है। पुलिस इसलिए आती है कि जिस तरीके से हम इस शख्स को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हमने पुलिस के पास शिकायत दी थी। सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि कहा जा रहा है, ये शख्स कह रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही दोनों पक्षों के बीच में बातचीत भी हुई थी, और उसके बाद फिर अचानक से इन पति पत्नी को गाँव के बाहर ले जाया जाता है, पत्नी को मार दिया जाता है, पति को भी मारने की कोशिश होती है। तो क्या ये जिस तरीके, जिस डायरेक्शन में बात जा रही है कि ये डायन बता करके हत्या है, या फिर किसी और कुछ और इशारा भी हो रहा है इस घटना में? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, जो पीड़ित ने जो कुछ बातें कही है, हालांकि पुलिस भी दबी जुबान में इस बात को मान रही है कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास है। और चूंकि अगर हम पूरी घटनाक्रम को देखते हैं तो कल रात की ये घटना है 9 बजे, और सुबह में पुलिस को सूचना मिलती है। हालांकि जब सूचना मिलती है तो देवघर SDPO विकास चंद्र श्रीवास्तव वो सूचना मिलते ही वहाँ पहुँचते हैं, खुद उस गांव में जायजा लेते हैं। उनसे मेरी बात भी हुई है, उन्होंने ये बात कही है कि देखिए, अजीब बात है कि जब गाँव में पुलिस पहुँचती है तो कोई लोग आते नहीं है इन्हें छूने के लिए, इन्हें देखने के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उस गांव के जितने पुरुष सदस्य थे वो नदारद हो चुके थे, वो गायब हो गए थे, सिर्फ महिलाएं ही गांव में रह गई थी। एक और बात जो सामने आई है वो ये कि 6 साल पहले ही इनसे सब लोगों ने नाता तोड़ दिया था, इन्हें अलग कर दिया था, इनके बच्चे भी बाहर रहते हैं, और कोई घटना घटी थी, किसी की मौत हुई थी, उसका जिम्मेदार बता रहे थे। लेकिन अगर हम पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो निश्चित तौर पर जब सूचना मिलती है एक महिला की हत्या के, तो DSP ने खुद इसे गंभीरता से लिया और खुद मौके पर पहुँच कर काफ़ी छानबीन की है। और मुझे जानकारी इस बात की है कि एक व्यक्ति को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया है, और मुझे उम्मीद है पुलिस ने भी, यहाँ लाइव पे आने से पहले मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि जल्द ही आज रात में हो सकती है छापेमारी होती होगी और कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन पुलिस से भी बड़ा सवाल समाज पर उठता है। अभिषेक, आप देखिए कि जिस गांव का यह मामला है वो गांव आदिवासी क्षेत्र है, वहां पूरा एक टोला ही है, और ये जो आरोपी हैं और कोई और नहीं है बल्कि इनके ही क्लैन के, हम कह सकते हैं गोतिया जिनको हम कहते हैं, गोतिया में से कोई आदमी है जिनके ऊपर आरोप लगा है। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि गांव के लोग पुलिस के बाद पहुंचते हैं, यहां एक सवाल समाज में, एक सवाल जो है
एक सवाल जो है वो ये रह जाता है कि पुलिस के पास जब शिकायत की गई, जाहिर सी बात है ऐसे केसेस में इस तरीके की चीजें होती हैं, जान को खतरा होता है, तो जब पुलिस को शिकायत की गई थी तो क्या पुलिस की तरफ से इसमें कोई एक्शन लिया गया था? निश्चित तौर पे, चूंकि यही एक बड़ा सवाल है जहां पे पुलिस बैकफुट पे चली जाती है कि जब थाने में आकर के बुजुर्ग व्यक्ति अगर ये बात कहता है कि उनके साथ सामाजिक द्रोह किया जा रहा है, उन्हें उनके पत्नी के ऊपर डैन बिसाई का आरोप लगाया जा रहा है, उन्हें गांव से बहिष्कृत कर दिया गया, उनसे कोई नाता नहीं रखा जाता है, वो अकेले रहते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर पुलिस वहां कार्रवाई की होती, कदम उठाई होती, गाँव में जाती और चीज़ों का तहकीकात करती और जो आरोपी थे उनके साथ कड़ी से उनको गिरफ्तार करती, उनके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई वो होता, तो निश्चित तौर पर आज जो सुखलाल मरांडी आज अकेले हो गए और उनकी पत्नी बड़की मरांडी उनको छोड़ के जा चुकी है, तो निश्चित तौर पर जबकि उनके बच्चे भी उनके साथ नहीं है, तो निश्चित तौर पर आज ये घटना नहीं होती। लोगों में डर होता, उनके गांव के लोगों में भी डर होता, जो लोग जो समाज के लोग हैं और शायद जो जिन लोगों ने भी घटना को अंजाम दिया है उनका इतना मनोबल नहीं बढ़ता और आज शायद बड़की मरांडी जिंदा होती। अभिषेक, बिल्कुल, बहुत सारे सवाल रह जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। इन सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढने चाहिए, इसलिए ढूंढने चाहिए कि भाई अगर कोई शख्स आपके पास आकर के फरियाद करता है तो फिर उस फरियाद के मायने क्या रह जाते हैं, आपने आखिर क्या किया उस शख्स की जान बचाने के लिए। इस सवाल का जवाब जो है वो खुद पुलिस को ढूंढना चाहिए।